Welcome back to fifth lecture of metrology series. Today we are going to discuss about the next important term, that is fundamental deviation. दोस्तों ये आपका काफ़ी जगह यूजफुल है. ये पहला तो आपका बीटेक में यूजफुल है, उसके बाद इसी के बेसिस पर आप फर्दर टॉलरेंसेस अलाउंस की कैलकुलेशन करते हैं अपने होल और शाफ्ट के लिए. इन अदर वर्ड्स ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में देखें या वर्कशॉप में देखें या फिर आप क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहे हो, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों अगर बात की जाए फंडामेंटल डेविएशन की, तो फंडामेंटल डेविएशन आपका कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम बेसिक साइज टू वेयर टॉलरेंस जोन इज सिचुएटेड इज नोन एज फंडामेंटल डेविएशन, या इट डिफाइंस द पोजिशन ऑफ टॉलरेंस जोन इन रिलेशन टू द जीरो लाइन. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए ये हमारा होल है, होल ये हमारा जीरो लाइन या बेसिक साइज हो गया. अब ये आपका होल का टॉलरेंस जोन है. देखिए यहाँ पर ये आपका अपर लिमिट ऑफ होल है, या इसको अपन ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ये लोअर लिमिट ऑफ होल है, जो कि ई आई एकार्ट सुपीरियर एंड एकार्ट इन्फीरियर है. अब देखिए ये हमारा लोअर डेविएशन है और ये हमारा अपर डेविएशन. ठीक है, लोअर डेविएशन मतलब इस ई आई और इस बेसिक लाइन या जीरो बेसिक साइज या जीरो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपका लोअर डेविएशन कहलाता है, और अपर लिमिट ऑफ होल से बेसिक साइज के बीच डिस्टेंस आपका अपर डेविएशन कहलाएगा. ठीक, इसी तरीके से अगर हम शाफ्ट का केस देखेंगे तो ये अपन शाफ्ट में ये जीरो लाइन है या बेसिक साइज, ये हमारा शाफ्ट है. दोस्तों यहाँ पर भी ये दो आपको डिस्टेंस दिख रही होंगी, एक ये और दूसरा ये, यानी ई एस ऑफ शाफ्ट यानी अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, और ये ई आई ऑफ शाफ्ट यानी लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गई हमारी. अब जब इस बेसिक साइज से हम इस टॉलरेंस जोन के डिस्टेंस देखेंगे, तो दोस्तों ये बेसिक साइज और ई एस के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका अपर डेविएशन कहलाएगा शाफ्ट के केस में, और ये आपका लोअर डेविएशन होगा शाफ्ट के केस में. ठीक है, अब फंडामेंटल डेविएशन वो टर्म है, वो डिस्टेंस है जो इस बेसिक साइज के बहुत नियर है, बहुत करीब है. तो अगर अपर और लोअर डेविएशन में हम कंपैरिजन करें तो लोअर डेविएशन की जो डिस्टेंस है वो इसके नज़दीक है जीरो लाइन के रेस्पेक्ट में. इसलिए होल के केस में जो हमारा फंडामेंटल डेविएशन है वो लोअर डेविएशन आप कह सकते हैं, लोअर डेविएशन इज इक्वल टू फंडामेंटल डेविएशन. और अगर हम शाफ्ट के केस में देखें तो जो हमारा अपर डेविएशन होता है वो हमारा फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो ये शाफ्ट की डिस्टेंस है ये अपर डेविएशन वाली, ये आपकी बेसिक साइज के बहुत नियर है विद रिस्पेक्ट टू लोअर डेविएशन. ठीक है, तो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखना है. पहला ये कि जो आपका फंडामेंटल डेविएशन होल के केस में है वो लोअर डेविएशन के बराबर होता है, और शाफ्ट के केस का जो फंडामेंटल डेविएशन है वो आपका अपर डेविएशन के बराबर होता है. चलिए एक एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसे. देखिए ये हमारा होल है और ये हमारा शाफ्ट हो गया. ये होल का टॉलरेंस जोन, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, ये बेसिक साइज. देखिए बेसिक साइज है हमारा 20 mm, अपर लिमिट ऑफ होल 20, लोअर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट 19.97 mm, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट 19.95 mm. ठीक है, अब अगर बात की जाए देखिए, तो ये हमारा अपर डेविएशन. अभी हमने डिस्कस किया था कि जीरो लाइंस या बेसिक साइज से जो अपर लिमिट ऑफ होल है उसके बीच की डिस्टेंस अपर डेविएशन कहलाती है. तो दोस्तों ये हमारा अपर डेविएशन हो जाएगा यहाँ पर. अब लोअर डेविएशन की बात करते हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट आपका इस बेसिक साइज के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो लोअर डेविएशन हमारा जीरो हो जाएगा इस केस में. ठीक है, अब शाफ्ट का केस देखते हैं. तो भाई शाफ्ट के केस में देखिए ये अपर डेविएशन है हमारा और ये हमारा लोअर डेविएशन हो जाएगा. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. देखिए भाई शाफ्ट की बात करें तो इस शाफ्ट का जो अपर डेविएशन है, ये अपर डेविएशन कहाँ, बेसिक साइज से इस अपर लिमिट के बीच की डिस्टेंस हमारी अपर डेविएशन होती है, और शाफ्ट के केस में तो यही हमारा फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा, है ना. तो जब हम इस 20 में से इस 19.97 को माइनस करेंगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, 0.03 mm. और चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए 20 से 19.97 कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर दिया है. ठीक है, अब बात की जाए लोअर डिविशन ऑफ शाफ्ट की, तो लोअर डिविशन ऑफ शाफ्ट देखिए बेसिक साइज से इस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस आपकी लोअर डिविशन कहलाती है. तो यहाँ पर लोअर डिविशन कितना होगा आपका, जब आप इस 20 से इस 19.95 mm को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगी 0.05 mm, और चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए ये आपका
माइनस साइन यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक, अब हम होल का केस देखते हैं। तो भाई होल की बात करें तो होल के केस में देखिए, अपर डेविएशन, अपर लिमिट ऑफ होल से बेसिक साइज के बीच के डिस्टेंस, और ये हमारा 0.04 mm। और लोअर डेविएशन की बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया था, लोअर डेविएशन यहाँ पर जीरो आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट या एकार्ड इन्फीरियर लोअर लिमिट ऑफ होल या एकार्ड इन्फीरियर ऑफ होल आपका इस बेसिक साइज पर ही लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दो नए टर्म्स आपके इंट्रोड्यूस होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो ऊपर आई डिटेल्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर पहले उसको समझ लें, फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर दो टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। डिटेल में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कंडीशन देखते हैं कि अगर फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल देखिए आप साइलेंस इसको डिनोट करते हैं और ये होल हो गया हमारा, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल हमारा जीरो है तो ये हमारा होल बेसिस सिस्टम होगा, और फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट अगर जीरो है तो दोस्तों ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम होगा। थोड़ी देर में देखते हैं कि कैसे हमने ये डिफ्रेंशिएट किया। अभी बस इतना आप समझिए कि जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट हमारा कितना जीरो आया है, और हमें ये पता है कि होल के केस में लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट ही हमारा FD होता है, फंडामेंटल डेविएशन होता है। इसलिए चूंकि यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन हमारा जीरो है तो ये कौन सा सिस्टम हो गया भाई, ये हो गया हमारा होल बेसिस सिस्टम, क्योंकि फंडामेंटल डेविएशन हमारा यहाँ पर जीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ हम करते हैं अपनी इंडस्ट्री में या हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है कि कुछ हायर अथॉरिटीज़ ने रूल बना दिया है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे हमारी। तो ऐसा ही एक स्टैंडर्ड है हमारा IS 919 1963। ठीक है, ये आपका मेन स्टैंडर्ड होता है। ये कब बना है आपका, 1963 में। अब बना है या मॉडिफिकेशन हुआ है उसके आधार पर ये आपकी डेट डिसाइड होती है। किसी ने सेपरेट लेक्चर लेके जब ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलेंसिंग करेंगे तो आपको और डिटेल्स में मैं स्टैंडर्ड के बारे में बता दूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि दोस्तों इस IS 919 के अकॉर्डिंग हमारे 25 फंडामेंटल डेविएशंस होते हैं, और इन फंडामेंटल डेविएशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट्स। दोस्तों अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आपके शाफ्ट को डिनोट करते हैं, और अगर होल की बात करें तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आपके होल को डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कुछ मिसिंग लेटर्स होते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो होल के केसेस में और शाफ्ट के केसेस में आपके टर्म्स वही हैं, ILOQW, यानी जो A से लेकर Z तक हम बचपन से सीरीज पढ़ते आए हैं उसमें ये लेटर्स आपके मिसिंग होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो मिसिंग लेटर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि ये लेटर्स आपका डेविएशन को डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसा हमने बचपन से पढ़ा है, ए से लेकर ई, एफ, जी, एच, फिर आई आता था, यहाँ से आई गायब हो गया है और आई को रिप्लेस कर दिया हमने JS से। किससे? JS से। ध्यान दीजिएगा, आई को हमने JS से रिप्लेस कर दिया। फिर K के बाद L, देखिए L मिसिंग है यहाँ पर, MNO मिसिंग है, P, फिर Q मिसिंग है, RSTUV यहाँ पर W मिसिंग है। यानी जो टर्म्स हमारे मिसिंग हैं उनकी जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया है ZA, ZB और ZC। ठीक इसी तरीके से नीचे शाफ्ट वाली सीरीज में इन्हीं टर्म्स को हमने रिप्लेस कर दिया है कुछ चीज़ों से, कुछ नए टर्म्स से। अब देखिएगा ये कितने हैं, जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये 25 आएगा इंडिविजुअली, 25 कैपिटल लेटर्स, 25 स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अभी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स है क्या, बस कुछ सेकंड्स में हम देखते हैं। उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिएगा, जैसे हमने देखा है कि IS 919 1963 के अकॉर्डिंग हमारे 25 फंडामेंटल डेविएशंस होते हैं, ठीक वैसे ही ISO के केस में देखेंगे तो ISO में हमारे 28 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। कितने दोस्तों? 28। ध्यान रखिएगा, कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है और कई बार तो आपके बीटेक के लेक्चर्स में भी आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच अल्फ़ाबेट डज नॉट डिनोट्स
डेविएशन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर मिसिंग लेटर्स क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मिसिंग लेटर्स आपको याद होने चाहिए। अब मिसिंग लेटर क्या, ILOQW, देखते हैं इसमें से क्या कोई इनमें से आ रहा है, PHDW। तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये W हमारा मिसिंग लेटर है। तो जब W हमारा मिसिंग लेटर है तो ये लेटर हमारा फंडामेंटल डेविएशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आपके गेट एग्जाम के लिए। अब देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था होल और शाफ्ट के केसेस में कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स और ये फंडामेंटल डेविएशन, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ मैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका एक चार्ट है फंडामेंटल डेविएशन और होल्स के बीच में। अब देखिए, अभी मैंने पढ़ा था ABCDEFGH, तो दोस्तों ये हमारा कंडीशन ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, इस तरीके से एंड सो ऑन। मतलब होल के केसेस में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, जो हमारा कर्व है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखिए, अभी लेफ्ट से राइट में जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक टर्म है, एक कंडीशन है एच। देखो ये सारे टर्म्स आपके होल को डिनोट कर रहे हैं और इसमें एक कंडीशन आती है, ये फंडामेंटल डेविएशन ऑफ एच। यहाँ पर एच एक कंडीशन है होल की, जिसमें आपका लोअर लिमिट ऑफ शार्प जो है, यानी एकार्ट इन्फीरियर, ये आपका जीरो लाइन पर ही लाई कर रहा है। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि यदि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लोअर लिमिट ऑफ होल या एकार्ट इन्फीरियर ऑफ होल आपका शाफ्ट पर लाई करता है, उसके इसमें क्या, लोअर डेविएशन हमारा जीरो है और लोअर डेविएशन होल के केस में हमारा फंडामेंटल डेविएशन बताता है, इसलिए हमारा फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल जीरो है। और ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल किस कंडीशन में, कैपिटल एच के केस में। किस कंडीशन में भाई, कैपिटल एच के केस में हमारा हमेशा जीरो रहता है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो कंडीशन होती है हमारी होल बेस सिस्टम की, ठीक है भाई। अभी थोड़ी देर में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। अब ठीक है, ऐसे ही हम होल के केसेस में देखते हैं। तो भाई देखो, यहाँ आपको डाउनवर्ड लेफ्ट से अपवर्ड राइट की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कर्व का, यहाँ भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल अल्फाबेट से, तो यहाँ पर हमारा ये शाफ्ट का केस हो गया। अब इसमें भी एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये स्मॉल एच। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था शाफ्ट केसेस में अपर डेविएशन क्या होता है, आपका फंडामेंटल डेविएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपर डेविएशन है हमारा, वो लाई कर रहा है, वो जीरो है हमारा, यानी जो अपर लिमिट है आपकी होल की, शाफ्ट की, वो आपकी इस बेसिक साइज पर ही लाई कर रही है। मतलब फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल कैसा, होल स्मॉल एच होता है, जीरो है। जब फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल जीरो है, इसका मतलब है कि फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट हमारा ऑलवेज जीरो होगा। किस कंडीशन में, स्मॉल एच की कंडीशन में, ठीक है। दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा, ये जो आप ABCDEFGH देख रहे हैं, ये आपके शाफ्ट के टाइप्स हैं, बस इसमें मेन डिफरेंस है कि इनकी अपर लिमिट के आधार पर, यानी जो यहाँ पर अपर डेविएशन आ रहा है, उनके बेसिस पर हम इन होल्स या शाफ्ट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन डिफरेंशिएशन कैसे होता है, या आप कह लें इसको एक नॉमनक्लेचर कह सकते हैं आप। तो दोस्तों बात की जाए तो ये होल बेसिस सिस्टम की, तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा 25H8F7। आइए समझते हैं ये होता क्या है। भाई 25 डिनोट करता है आपका बेसिक साइज को, भाई जो जीरो लाइन या बेसिक साइज की हम बात कर रहे थे। फिर इसमें जो H है, ये H आपका डिनोट करता है होल टाइप, कि हम किसके बारे में देख रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं होल के बारे में, क्यों, क्योंकि ये हमारा कैपिटल अल्फाबेट है। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये हमारा F स्मॉल अल्फाबेट है, तो स्मॉल हमारा शाफ्ट टाइप को बताएगा कि किसकी कंडीशन है, ये आपकी शाफ्ट की कंडीशन। फिर अपन देखते हैं इस टॉलरेंस के केस में, ये जो आपका 8 है, चूँकि ये होल का है, और ये क्या बताएगा आपका, टॉलरेंस ऑफ होल बताएगा। और ठीक इसी तरीके से 7 आपका स्मॉल एफ के साथ अटैच है, तो ये आपका टॉलरेंस बताएगा शाफ्ट के लिए, या आप कह सकते हैं टॉलरेंस रेट ऑफ होल और टॉलरेंस रेट फॉर शाफ्ट। दोस्तों इसको अच्छे से ध्यान करिएगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर ऑफ गेट का पेपर उठाकर देखेंगे तो दो दो मार्क्स में कई बार ये नॉमनक्लेचर आपसे पूछ लिया गया है, या मैच द फॉलोइंग के केसेस में आए। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद, तब आपको और अच्छे में ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम की बात करें, देखिए मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, 25F8H7। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा 25 बेसिक साइज, F होल टाइप, 8 टॉलरेंस ग्रेड ऑफ होल, H शाफ्ट टाइप, और 7 है हमारा टॉलरेंस ग्रेड फॉर शाफ्ट।
अब देखिएगा यहाँ पर ये होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस कैसे डिसाइड किया हमने, तो अभी हमने डिस्कस किया है पिछली स्लाइड में कि यहाँ पर जो एच है हमारा, एच कैपिटल एच हमेशा हमारा ज़ीरो रहता है होल के केस में। जब कैपिटल एच हमारा ज़ीरो है यानी फंडामेंटल डेविएशन भी हमारी ज़ीरो है, जब फंडामेंटल डेविएशन ज़ीरो है दोस्त ये कंडीशन हो जाती है होल बेसिस सिस्टम की, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये स्मॉल एच, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा फंडामेंटल डेविएशन ऑफ स्मॉल एच ज़ीरो, यानी फंडामेंटल डेविएशन जो है ये भी आपका ज़ीरो होगा। जब फंडामेंटल डेविएशन ही ज़ीरो है आपका दोस्त, ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो जाएगा आपका, क्लियर। यानी ये जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स हैं यही आपके डिसाइड करते हैं कि आपका होल बेसिस सिस्टम है या शाफ्ट बेसिस सिस्टम है, क्लियर। चलिए दोस्त अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। सबसे पहले अपन एक वन मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 25H8F7, वही है जो अभी प्रीवियसली हमने देखा है। दोस्तों सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं कुछ इस टाइप का। ये आपका ग्राफ है ए से लेकर ZC तक और यहाँ पर ए से लेकर ZC तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 25H8F7, तो यहाँ कैपिटल लेटर्स हैं मतलब ये हमारा होल का केस हो गया, ठीक है। ये हमारा होल का केस हो गया और ये क्या है स्मॉल लेटर्स, तो दोस्त ये हमारा शाफ्ट का केस हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है H8, दोस्त H8 ये टर्म है हमारा, इसका लोअर डेविएशन क्या है ज़ीरो, क्योंकि इसका लोअर लिमिट होल के ज़ीरो साइज पर लाई कर रहा है, यानी फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल क्या है भाई ज़ीरो है। जब ये हमारा ज़ीरो है यहाँ पर, इसका मतलब फंडामेंटल डेविएशन भी ज़ीरो और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त हमारा होल बेसिस सिस्टम, क्लियर। कहाँ से डिनोट किया, ये क्या होल बेसिस सिस्टम है, इस एच से हमने डिसाइड किया है कि ये हमारा होल बेसिस सिस्टम है, ठीक है। आइए अब भाई इसको समझते हैं। भाई यहाँ पर है एक एच, यहाँ पर एफ, 25 तो बेसिक साइज बता रहा है, एच और एफ से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्लियरेंस फिट है या इंटरफेरेंस फिट है। दोस्त सबसे पहले हम देखें तो हमारे इंटरफेरेंस फिट की कंडीशन है मिनिमम शाफ्ट साइज इस ग्रेटर देन मैक्सिमम होल साइज, मतलब शाफ्ट का जो मिनिमम साइज है वो आपके होल के मैक्सिमम साइज से हमेशा बड़ा होना चाहिए। लेकिन जैसा हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या H8 H कहाँ लाई कर रहा है ज़ीरो पर, यानी लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट यानी फंडामेंटल डेविएशन इसका ज़ीरो है, होल का तो ज़ीरो हो गया भाई, ठीक है। यह हमने देख लिया किस केस में, ये H के केस में, कैपिटल H के केस में। अब इस F की बात करें तो F यहाँ कहीं लाई कर रहा है, F ये रहा हमारा, तो ये ज़ीरो से क्या भाई, अगर ये हमारी ज़ीरो लाइन है ये हमारा F है, तो ये क्या नेगेटिव में जाएगा। तो आपको ये पता है भले ही यहाँ पर ज़ीरो है लेकिन ये नेगेटिव है, तो दोस्तों ये वाली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाई कि हमारा मिनिमम शाफ्ट साइज हमारा मैक्सिमम होल साइज से बड़ा है, तो दोस्त यहाँ पर ये इंटरफेरेंस फिट नहीं होगा। लेकिन अपन क्लियरेंस फिट की कंडीशन देखें तो मिनिमम होल साइज इज ग्रेटर देन मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मतलब होल का जो मिनिमम साइज है वो आपके शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जब ये आपका बड़ा होगा तभी आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और जैसा आप यहाँ देख रहे होल आपका ऊपर लाई कर रहा है, शाफ्ट का जो ये अपर लिमिट है ये आपका नीचे लाई कर रहा है ना। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो होल का मिनिमम साइज है शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से आपका बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये क्लियरेंस फिटी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। इसलिए ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है हमारा क्लियरेंस फिट, क्लियर है भाई। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएंगे। और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गेट में, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एक एक मार्क्स में आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर जो कि फंडामेंटल डिविशन, जिसके लिए हमने पढ़ी है यहाँ पर कि कैसे हम कुछ केसेस में टॉलरेंस अलाउंस FD वगैरह कैलकुलेट करते हैं। दोस्त सबसे पहले आपको अगर टॉलरेंस और फंडामेंटल डिविशन कैलकुलेट करना है तो आपको ये दो टेबल आनी चाहिए। गेट में ये टेबल गिवन होती है, शायद ES में भी आपका गिवन हो, लेकिन आपको दोस्त ये चीज़ रटी होनी चाहिए, ठीक है। फिंगर टिप्स पर आपकी होनी चाहिए कि अगर आपको ये नहीं दिया गया, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया गया, तो आप आसानी से वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्त यहाँ पर देखो, यहाँ है बेसिक साइज MM, कहाँ से कहाँ तक इसको आप ज़ीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर IS 919 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड 919 1963 पार्ट वन में ये पूरी सीरीज़ दी है, मैंने डायरेक्टली वहीं से उठा लिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो अगर आप डाउनलोड करके पढ़ भी रहे हैं उस सीरीज़ को, ठीक है।
दोस्त ये अगर रेंज है आपकी 0 से 3, 6, 10, 18, और ये याद करने का तरीका आप 0 से लेकर यहाँ तक याद कर लो 400 तक, 0 से 3, 6, 10, 18, 30, हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम और हिंदी में याद करो, 0, 3, 6, 10, 18, 30, 50, 80, 120, 180, 250, 300, 15, 400। अब जो चीज़ें आपने यहाँ लिखी हैं उन्हीं को यहाँ से आप लिखना शुरू कर दो, बस 0 को एक्सक्लूड कर देना, 3, 6, 10, 18, 30, 50, 80, 120, 180, 250, 300, 15, 400, 500। इस तरीके से आपकी ये बेसिक साइज आपको याद हो जाएगा। और दोस्त अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉलरेंस। अगर बात की जाए टॉलरेंस तो ये आपका IT01 से लेकर फिर आपका IT16 तक होता है, यानी टोटल 18 टॉलरेंस ग्रेड्स हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम में आती हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारी IT5 से लेकर IT16 तक। अगर इनके अलावा कोई होगी तो आपके पेपर में मेंशन होगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, यहीं से आप याद करिए IT5 से लेकर IT16 तक। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, 7, 10, 16, 25, 40, 64, बस। फिर 7 को एक्सक्लूड कर दिए, 10, 16, 25, 40, 64, फिर नीचे 10 और आगे 1, 1, 0, फिर लास्ट में 00 आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? आइए आगे समझते हैं। देखिए हमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन है यहाँ पर, 25H7F8। अब सिर्फ एक सिंपल वैल्यू के बेसिस पे मेरे को आगे की सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमें मीन डाया या ज्योमेट्रिक डाया को, ज्योमेट्रिक मीन डाया को हमें फाउंड करना है, ठीक है? अभी ज्योमेट्रिक मीन डाया क्या है, तो ये होता है हमारा D=√D1 × D2, ठीक है? अब ये D1 D2 क्या है दोस्त, ये D1 और D2 वो रेंज है जिसके बीच में आपका ये बेसिक साइज लाई कर रहा होता है, ठीक है? जैसे ये हमारा 25 है, तो दोस्त 25 किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा 18 से लेकर 30 के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में? 18 से लेकर 30 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर D1 हो गया हमारा 18 और D2 हो गया हमारा 30। तो दोस्त ये आप D1 कह सकते हो और ये आपका D2 हो गया, ठीक है? D1 और D2। चलिए तो ये हो गया हमारा D=√18 × 30। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23.23 mm, ध्यान देना भाई, 23.23 mm। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमें I निकालना है। I फैक्टर होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पर I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोस्त। इस फॉर्मूले को रट लेना, पेपर में दिया होगा लेकिन आपको ये आना चाहिए अगर आप बीटेक वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। देखिए कई जगह तो ये चीज़ें पढ़ाई नहीं आती हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ पढ़ाई जाती हैं उनके लिए आपको इस फॉर्मूले को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब फॉर्मूला है आपका I=√D+0.001 d µ। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ क्या था mm में, अब यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ रही माइक्रॉन्स में, ठीक है? लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि जो ये D की वैल्यू है ये आपको mm में ही रखनी है, जो आपने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है, ये D और ये जो ये D है इन दोनों की वैल्यू आपको mm में ही रखनी है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 0.45 √D, D कितना है 23.23, आपने 23.23 यहाँ लिखा, फिर 0.001 × 23.23। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1.307 µ, क्लियर? कितना 1.307 µ आपकी वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, जिसमें हमें टॉलरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है? देखिए अभी हमने बात की थी पिछले केस में, तो यहाँ हमने सबसे पहले ज्योमेट्रिक डाया निकाला D की वैल्यू, फिर हमने कैलकुलेट I की वैल्यू निकाली, अब हम निकालने आ रहे हैं टॉलरेंस। दोस्त टॉलरेंस की बात करें तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो, अभी हमने बात की थी ये 7 क्या है टॉलरेंस ग्रेड फॉर होल, ये 8 क्या है टॉलरेंस ग्रेड फॉर शाफ्ट, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर के एडजेसेंट है आपका। तो दोस्त यहाँ पर जो टॉलरेंस ऑफ होल है ये निकल के आएगा आपका 7, क्या ये है आपका 7, और इसके आगे आप IT लगा देना, IT ग्रेड होती है आपकी, ठीक है? अब ये क्या बन गया, टॉलरेंस ऑफ होल बन गया आपका IT 7, और अपने पास ये टेबल है, देखते हैं IT 7। तो भाई यहाँ से IT 7 हमारा निकल कर आया 16 I, तो आपने यहाँ लिखा 16 × I, I की वैल्यू अभी पीछे हमने कैलकुलेट की थी 1.307 mm। दोस्त जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 20.91 µ, या आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 0.020 mm, ठीक है? कोशिश कीजिएगा आप इसको mm में निकाल लें, क्योंकि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अपन mm में अच्छे से समझ लेते हैं, बेसिक यूनिट कह सकते हैं।
अपने समझने के टर्म्स में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट। तो दोस्त वही कंडीशन है, चूँकि यहाँ पर 8 है तो यहाँ से 8 हमने उठाया और 8 यहाँ पर हमने पुट कर दिया, इसके आगे IT लगा दिया, तो ये हो गया IT 8। फिर अपन यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हमने IT 8 की वैल्यू उठाई, 25 आई, 25 इंटू आई करेंगे, आई की वैल्यू अभी आपने पीछे कैलकुलेट की 1.307 माइक्रॉन्स, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू भी आपकी माइक्रॉन्स में आएगी। आपको क्या करना है, इसे 0.032 mm यानी mm के अंदर इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बात की जाए स्टेप 4 की। तो दोस्त यहाँ पर हमें क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेविएशन मतलब वही लोअर और अपर डेविएशन आप कह सकते हो, या आप FD कह सकते हो अपना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, H=H7। हमने बताया था फंडामेंटल डेविएशन ऑफ कैपिटल H हो या फंडामेंटल डेविएशन ऑफ स्मॉल H यानी होल और शाफ्ट के केस में 0। तो यहाँ क्या है, कैपिटल H यानी फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल 0 हो गया हमारा। फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट के बारे में बात करें तो यहाँ है F। देखिए दोस्त ये चार्ट होता है, रट लेना इसे भी, भाई मैं तो रटा हूँ इसको, रट लेना। रटने का तरीका DE से लेकर आप S तक लिखो, DEFGH आप लिखो कैपिटल में, फिर यहाँ लगा दो, भाई D के केस में माइनस चलता है, कैपिटल D के केस में प्लस। दोस्त ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ प्लस होएगा, ये माइनस नहीं, ये आपका प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल डी के केस में आपका नेगेटिव चलता है, अभी हमने प्रीवियसली देखा ही हुआ है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है हमारा इस केस में, ठीक है। अब ये स्मॉल एच कैपिटल एच की वैल्यू 0, ये तो रट ही गया होगा आपको अब तक। अब इसके बाद ये यहाँ लिखो 16, 11, 55, 25, कितना 16, 11, 55, 25 और 55 और 25 के बीच में आप डेसिमल लगा दीजिए, फिर डी 44, 41, 41, 34, पॉइंट लगा देना अपने आप, वैसे ही फिर एक याद होगी तो आप अगला निकाल लोगे। 16, 11, 55, 25 यहाँ डेसिमल, फिर डी 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 डी, फिर 44, 41, 41, 34 आप यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। हाँ, ये रखनी पड़ेगी आपको ईटा टी और म्यू या यू की वैल्यू, आप वैसे पेपर में आपका दिया रहेगा, आपका गेट या ES एग्जाम में ये वैल्यूज आपकी प्रोवाइडेड रहेंगे, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर था हमारा स्मॉल f, तो यहाँ से स्मॉल f की वैल्यू उठाते हैं, -5.5 d 0.41, तो आपने उसको यहाँ लिख दिया, और -5.5 d की वैल्यू कितनी निकाली थी, 23.23 mm, और उसकी पावर है 0.41। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 19.97 माइक्रॉन्स, किस में नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है, या आप कह सकते हैं -0.01997 mm, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.02 mm डाउनवर्ड्स, तो हमने नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। अब आइए कंक्लूजन पर आते हैं, तो देखिए ये टर्म्स है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल 0, टॉलरेंस इतना, शाफ्ट का इतना, FD इतना, तो इसके बेसिस पर देखते हैं भाई। ये तो हो गया हमारा बेसिक साइज, क्योंकि होल बेसिस सिस्टम है तो लोअर लिमिट ऑफ होल क्या है, आपका बेसिक साइज पे लाई करेगा। फिर हमने बात की यहाँ पर FD तो 0 हो गया, उसी से हमने डिसाइड किया होल बेसिस सिस्टम है, टॉलरेंस ऑफ होल भाई यहाँ से यहाँ तक टॉलरेंस ऑफ होल 0.020, तो जब 25 में ऐड किया हमने 0.02, तो 25.02 mm वैल्यू आई। फिर FD 0.02 mm है, तो 25 में से जब इतना माइनस करेंगे तो 24.90 mm आ जाएगा, और जब इसमें से टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट को हम माइनस करेंगे 0.03 mm को, दोस्त ये निकल के आएगा 24.948 mm। तो दोस्त ये क्वेश्चन ध्यान रखना, देखिए तरीका यही है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दोस्त यहाँ पर है 60H8F7, कितना है 60H8F7, और देखिए दोनों क्वेश्चन आपके आए हैं ES एग्जाम में, ये आपका 15 मार्क्स में आया था प्रेजेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे सबसे पहले वही तरीका है, हमें मीन डायमीटर या ज्योमेट्रिक मीन डाय अपन फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे, कैपिटल डी इक्वल टू अंडर रूट D1 × D2, जहाँ पर D1 और D2 आपका क्या बताते हैं, एक डायमीटर रेंज जिसके बीच में वैल्यू लाई कर रही है। दोस्त यहाँ पर बेसिक साइज 60 mm है, जो कि आपका 50 से 80 mm के बीच में लाई करेगा, तो आपने यहाँ D1 और यहाँ पर D2 की वैल्यू लिख दी, तो यहाँ पर D1 और D2 कितना हो गया आपका 50 × 80, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 60.24 mm वैल्यू निकल कर आएगी। अब स्टेप टू की बात करते हैं, तो आई कैलकुलेट करना, I = 0.45 cube root of D + 0.001 d microns, ये आपका मेन फॉर्मूला है, दोस्त रट लेना इसको,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब इसमें हम वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, कैपिटल डी 63.24 mm जो अभी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर भी 0.24 mm। ध्यान दीजिएगा ये जो डी और डी की वैल्यू है ये अपन mm में ही रखेंगे, हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वैल्यू हमारी माइक्रॉन्स में आ ही जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, वैल्यू कितनी आ गई हमारी, आई इक्वल्स टू 1.85 माइक्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ बात की जाए, आगे स्टेप थ्री था हमारा टॉलरेंस कैलकुलेट करना, यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर वैल्यू है हमारी 8। तो दोस्त यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा IT8। ठीक है, यहाँ पे 8 तो ये IT8, IT8 का मतलब है यहाँ पर आएंगे अपन IT8 25i, 25 को i से मल्टीप्लाई करेंगे, i की वैल्यू अपन अभी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं 1.85 mm। ओके गाइस, सो दिस इज 1.85 mm, व्हेन वी विल फर्दर सॉल्व इट वी विल गेट 46.25 माइक्रॉन्स, और इन टर्म्स ऑफ mm वी विल गेट 0.046 mm। क्लियर, नाउ इन द सिमिलर वे विल फाइंड द वैल्यू ऑफ IT7, दैट इज द टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट। IT7 इज इक्वल्स टू 16i, यहाँ से 16i लेंगे हम, ये 16 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 1.85, i की वैल्यू प्रीवियसली अभी हमने कैलकुलेट किया है, जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 29.6 माइक्रॉन्स, ये वैल्यू आएगी आपकी 29.6 माइक्रॉन्स या 0.029 mm। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं डेविएशन। ठीक है भाई, डेविएशन की बात करें तो फॉर्मूला वही है, ये आपको रटना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा H और F, यहाँ पर H क्या है हमारा कैपिटल H, अभी हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल डेविएशन ऑफ H और स्मॉल H क्या जीरो होता है हमारा। ठीक है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ H और स्मॉल H हमारा जीरो हो जाएगा। अब उससे क्या है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे, जो कि आएगा हमारा F है, तो यहाँ देखते F यानी यहाँ पर F का मतलब -5.5D 0.41 mm। जब आपने ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस की और आपने D की वैल्यू 63.24 mm रखा, उसकी पावर आपने 0.4 mm की, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये 30 माइक्रॉन्स निकल कर आएगा, और किस में, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव साइन अपन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, दोस्त ये हो जाएगा -30 माइक्रॉन्स या mm के टर्म्स में बात करें तो 0.030 mm। ठीक है, कंक्लूजन हमारा कुछ इस तरीके से है। अब बात की जाए यहाँ पर ये होल, ये शाफ्ट, यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल कितना है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल हो गया हमारा जीरो। जब ये हमारा जीरो है यहाँ पे तो होल बेसिस सिस्टम क्लियर है, ये हो गया हमारा लोअर लिमिट ऑफ होल ऑन बेसिक साइज। फिर टॉलरेंस ऑफ होल कितना 0.046 mm, तो भाई यहाँ से यहाँ तक ये टॉलरेंस ऑफ होल 60 में जब आप ऐड करोगे तो 60.046 mm आ जाएगा। फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट कितना 0.030 mm है, तो जब आप 60 में से इतना माइनस करोगे तो आपका 59.97 mm आएगा, और इस वैल्यू से जब आप टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 59.94 mm। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये सॉल्व हो चुका है पूरी तरीके से, तरीका यही रहेगा, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले आइए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू गेट अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।